हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज फिर से अमूल कंपनी से एक नया रिक्रूटमेंट आया है। तो इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस और कोई भी एग्ज़ाम नहीं आपको देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। और आप ग्रेजुएट है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और आपका ग्रेजुएट से भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और कैसे अप्लाई करेंगे वो भी प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, अमूल से जो वैकेंसीज आया है वो कितना वैकेंसीज है वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, और ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिलेगा। और देखिए, जो टू पोस्ट है वो अकाउंट असिस्टेंट के है और सेल्स इंचार्ज के है। और आपका एज होना चाहिए 18 से 28 इयर्स। और फ्रेशर्स हो तो जरूर अप्लाई करिए, और एक्सपीरियंस आपका हो तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, मैं पहले बता चुका, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आपका एप्लीकेशन फीस कुछ भी आपको देना नहीं है। आप एससी एसटी जनरल कोई भी कैटेगरी के हो तो कुछ भी पेमेंट आपको नहीं करना है। और सैलरी जो पैकेज है 5 लाख पर एनम आपको 5 लाख सैलरी पैकेज मिलेगा। और आपका जो पोस्ट है, दो पोस्ट, अकाउंटिंग असिस्टेंट, उसके लिए एनी ग्रेजुएट, मतलब आप कोई भी डिकोने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कम्प्लीट किया हो तो बीकॉम एमकॉम बीए बीएससी कोई भी कम्प्लीट किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और सेल्स इंचार्ज के लिए एमबी करना है आपको और पीजीडीएम, ठीक है, ये दोनों पोस्ट आप अप्लाई एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग हो चुका है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। क्लोजिंग डेट ज़्यादातर नहीं है, 13 नवंबर तक है। कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे देखिए, जो राइट साइड में ड्रॉप सीवी ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है, और मोबाइल नंबर वगैरह, और यहाँ पे करंट लोकेशन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आप कुछ नहीं है फेसर से तो फेसर से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन देना है यहाँ पे, उसके बाद आपको कहाँ से कोर्स किया हुआ है पूरा डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद आपका क्या सीवी को अपलोड करना है, सीवी जो अपलोड करेंगे वो पीडीएफ वर्सन में, डॉक्यूमेंट्स वर्सन में, और आरटीएफ वर्सन में अप्लाई कर सकते हैं। 3 एमबी के अंदर होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे आप पूरा जब अप्लाई प्रोसेस हो जाएगा, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। और आप जब सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको मेल में सिलेक्शन का और इंटरव्यू का डेट भेज दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप अप्लाई करना है। तो आई होप इस जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चलता कौन सा जॉब कब आता है। और एक बात, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, और जो बहुत सारे वीडियोस में नहीं कर पाता तो यहाँ पे मैं डिटेल्स दे देता हूँ। तो प्लीज़ इसमें ज्वाइन हो जाइए, और इस टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। धन्यवाद।